बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को यूं गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाता है। महामारी के दौरान हजारों लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद ने जरूरतमंदों के लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी तक रख दी। अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरह से सवाल देखने को मिलते हैं कि आखिर सोनू सूद जितना पैसा बांटने का ऐलान सोशल मीडिया पर करते हैं वो उतना पैसा लाते कहाँ से हैं। वहीं अब रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने, लोगों के रहने के लिए घर बनवाने, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करने और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने और गरीबों का इलाज कराने वाले सोनू ने ये सब अपनी 8 प्रॉपर्टी गिरवी रख कर किया। जी हाँ, सोनू सूद ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी 8 प्रॉपर्टी गिरवी रखी है। इससे उन्होंने 10 करोड़ रुपए जमा किए और अब खुले दिल से सभी की मदद को आगे आ रहे हैं। खबरों की माने तो 10 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सोनू ने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपनी 8 प्रॉपर्टी को गिरवी रखी है। वेब पोर्टल मनी कंट्रोल के पास उपलब्ध रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के अनुसार सोनू ने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपनी 2 दुकान और 6 फ्लैट को गिरवी रखे हैं। ये दुकानें ग्राउंड फ्लोर पर हैं और फ्लैट शिवसागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है। ये हाउसिंग सोसाइटी इस्कॉन मंदिर के पास एबी नायर रोड पर स्थित है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि सोनू को उनकी 8 प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 10 करोड़ रुपए का लोन बैंक ने दिया है। दस्तावेज के अनुसार सोनू ने 10 करोड़ रुपए के लोन पर 5 लाख रुपए का पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है। ये प्रॉपर्टी सोनू के साथ उनकी पत्नी सोनाली के नाम भी है, जिन्हें बैंक के पास गिरवी रखा गया है। हालांकि इस खबर की जानकारी सोनू की ओर से कहीं भी नहीं दी गई। खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।